अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहता है? ऑप्शन ए 11 जनवरी 1950, बी 31 दिसंबर 1950, सी 19 सितंबर 1951 और डी 17 अप्रैल 1952। इसका उत्तर है 17 अप्रैल 1952। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी विरोधी दल का नेता। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी रक्षा मंत्री। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए कैबिनेट में, बी उच्च सदन में, सी व्यवस्थापिका में और डी राष्ट्रपति में। इसका उत्तर है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनय द्वारा, डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी संसदीय समिति, सी निर्वाचन आयोग और डी उच्चतम न्यायालय। इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी प्रधानमंत्री को। इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी किसी का भी नहीं। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 30 माह में, बी 6 माह में, सी 9 माह में और डी 8 माह में। इसका उत्तर है 6 माह में।